PFI एक आतंकवादी संगठन है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है और करनी चाहिए क्योंकि ये आतंकवादियों का संगठन है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को इंडिया से बैन कर दिया गया। आखिर कितने समय तक इसको बैन किया गया और साथ ही क्यों ट्विटर पर #StandWithPFI ट्रेंड कर रहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 22 नवंबर 2006 में हुआ था। साथ ही इसका उस समय में नाम हुआ करता था नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट और इसको बदलकर किया गया PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको कि आज 28 सितंबर 2022 को अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बैन कर दिया गया, जिसके बाद फिलहाल अभी भी ट्विटर पर #StandWithPFI ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें PFI को बैन करने की वजह यह है कि यह एक नेशनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कई तरीके की मिसलीडिंग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि PFI का कई तरीके की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध होना। जैसे कि आपको बता दें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिससे कि PFI के संबंध निकाले गए थे जो कि पहले ही बैन कर दिया गया था। आपको बता दें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई तरीके के लिंकेज देखे गए थे। साथ ही आपको बता दें PFI एक धर्म परिवर्तन यानी कि रिलीजन कन्वर्जन का भी काम किया करता था। जो भी मुस्लिम महिला या मुस्लिम व्यक्ति हुआ करते थे वो दूसरी जगहों पर जा जाके, एक अमर उजाला में आर्टिकल पब्लिश हुआ जहां पर बताया गया कि कई सारे लखनऊ और बाराबंकी में कई जगह पर कैंप लगाकर या फिर गांव दराज इलाके में जाकर जो मुस्लिम लड़के हैं वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं और साथ ही वहां की जो लड़कियां होती हैं उनको फंसाते हैं, उनके साथ कन्वर्जन यानी कि उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और साथ ही उनके साथ मैरिज वगैरह भी करते हैं, जिसके एवज में आपको बता दे PFI उनको घर या दुकान भी देता है। इस वजह हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कड़े एक्शन लेते हुए तेलंगाना में कई जगह पर NIA की टीम को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापा मरवाया, जहां पर ऐसा देखा गया कि PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कई तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी संबंध रख रहे हैं, साथ ही कई जगह पर रिलीजन कन्वर्जन जैसे काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद आज अमित शाह जी ने 28 सितंबर को PFI को बैन करने का पूरी तरीके से फैसला लिया। और साथ ही आपको बता दें PFI को इंडिया के अंदर 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। वहीं इसकी खबरें PFI के लोगों को काफी पहले लग चुकी थी, जिसके बाद वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और कई जगह पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि PFI को आखिर क्यों बैन किया गया। लेकिन फिलहाल इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इंडिया के अंदर PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया। अब आपको बता दें ट्विटर पर अभी भी #StandWithPFI कुछ लोग ट्रेंड करा रहे हैं। आपको बता दें इंडिया में ये वो लोग हैं जो #StandWithPFI ट्रेंड करा रहे हैं, जिसमें कि 80-90% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं जो कि इस कंट्री के इंडिया के भी और साथ ही कई अदर कंट्री के लोग भी हैं जो भी StandWithPFI को ट्रेंड करा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के मुस्लिम्स भी शामिल हैं क्योंकि इनका इसी PFI ग्रुप से इंडिया में आना जाना होता था। साथ ही बाहर से जो मनी आया करता था उसका भी लेन देन PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता था। इस वजह से अमित शाह जी ने यानी कि हमारे होम मिनिस्टर जी ने बड़ा फैसला लेते हुए NIA की टीम से कई जगह पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापा मरवाया, जिसके बाद PFI को आज पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। आखिर आपकी क्या राय है कि PFI को सही बैन किया गया या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।